There we study about the analytic characters. They are further subdivided into two types, qualitative and quantitative characters. First we discuss about the qualitative characters. इसमें फर्स्ट है फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन. इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑल द प्लांट इन द कम्युनिटी. फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन क्या है, प्लांट को आइडेंटिफाई करना किसी भी कम्युनिटी में. और ये कैसे करते हैं, डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट टाइम पे कलेक्ट करते हैं और उनको उनकी नेमिंग करते हैं. पीरियोडिकली कलेक्शन करते हैं प्लांट की और उनका फिर नेमिंग करते हैं. जो सबसे पहले जो ज़्यादातर तो वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ क्रिप्टोगेम्स जो फ्लोरिंग प्लांट है उनको भी कलेक्ट करते हैं और उनकी हैबिटेट और उनके बारे में उनकी नेमिंग की जाती है. और ये क्रिप्टोगेम्स दे आर फाउंड इन द अल्पाइन एंड आर्कटिक रीजन्स. और इसके साथ साथ जो स्मॉल प्लांट है जैसे मोसिस एंड लाइकन्स, इनका भी इतना ही उनकी भी इतनी इम्पोर्टेंस है जैसे कि क्रिप्टोग्राम्स और दूसरे हायर प्लांट्स की है. तो इनको भी कम्युनिटी के अंदर कलेक्ट किया जाता है और उनकी नेमिंग की जाती है और इनकी एक लिस्ट बना ली जाती है. जब लिस्ट बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि कौन से प्लांट डोमिनेंट है. जो डोमिनेंट थे, डोमिनेंट मीन्स जिनका नंबर बहुत ज़्यादा था कम्युनिटी के अंदर और जिनकी जो वो लार्ज साइज के प्लांट्स थे वो डोमिनेंट प्लांट होते हैं. फिर को डोमिनेंट प्लांट कौन से प्लांट स्पीसीज कौन सी थी जो कि डोमिनेंट, जैसे एक तो डोमिनेंट है जो सबसे ज़्यादा नंबर की हो और को डोमिनेंट है जैसे दो स्पीसीज है उनका नंबर लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर हो और उनका साइज भी सिमिलर हो तो दैट आर कॉल्ड को डोमिनेंट स्पीसीज. देन द सब डोमिनेंट प्लांट स्पीसीज ये डोमिनेंट की तरह ही होती है लेकिन दे हैव द लेस इम्पोर्टेंट देन दैट ऑफ द डोमिनेंट स्पीसीज इन ए कम्युनिटी. और इनके साथ साथ लोअर ग्रुप्स जैसे मोसिस, लीवरवर्ट्स, फर्न्स, लाइकन्स, एपिफाइट्स इनको भी कलेक्ट किया जाता है और उनकी नेमिंग की जाती है और उनकी लिस्ट बना ली जाती है. और इस लिस्ट में इन दैट लिस्ट इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर इंटर रिलेशनशिप ऑफ द ईच स्पीसीज बिटवीन देम एंड टू दियर एनवायरमेंट. इस लिस्ट से हमें पता चलेगा कि कौन सी स्पीसीज दूसरी स्पीसीज पर डिपेंड करती है और कौन सी इन्वायरमेंट का उनके साथ क्या रिलेशन है. फॉर एग्जाम्पल मैनी प्लांट्स आर द इंडिकेटर ऑफ सॉयल. कुछ प्लांट्स हैं वो सॉयल के इंडिकेटर होते हैं, मीन्स यहाँ पे कौन सी सॉयल एसिडिक है या अल्कलाइन है तो उस पार्टिकुलर सॉयल में पार्टिकुलर टाइप की वेजिटेशन और प्लांट मिलेंगे. सम आर आल्सो द इंडिकेटर ऑफ एल्टीट्यूड, माइक्रो क्लाइमेट्स, एडवर्स कंडीशंस एंड डायनामिक्स ऑफ कम्युनिटी. फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन स्टडी आल्सो प्रोवाइड एन idea of the species diversity and abundance of a species in the particular area. अगर हम इस तरह से प्लांट की नेमिंग करेंगे और वहाँ के प्लांट्स का की लिस्ट बनाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगी कौन सी स्पीसीज है, कौन कौन सी स्पीसीज हम कितनी डाइवर्सिटी है वहाँ पे, मीन्स कितने टाइप की स्पीसीज है. अगर ज़्यादा टाइप की स्पीसीज है तो वहाँ ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी. और कौन सी स्पीसीज एबंडेंस है, मीन्स किन कौन सी स्पीसीज के इंडिविजुअल का नंबर ज़्यादा है, दैट आल्सो वी स्टडी और हमें ये पता चल जाएगा इससे. तो दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव कैरेक्टर और फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन.